Hi everyone, back again with another video. Back with our basic setup. पीछे पर्दे, रेड लाल दीवार, अपना बेसिक सेटअप. बस थोड़ा सा खुशी इस बात की क्योंकि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल और बहुत मेहनत के बाद एक राइडिंग ग्रुप मुझे मिला है जिसके साथ मैं अभी फिलहाल राइड पर जा रहा हूँ. राइड के लिए एक काइंड ऑफ मेंबर का बेसिकली ग्रुप बर्थडे है, सो आई एम जॉइनिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार मेरी ग्रीट एंड मीट होगा, तो आई थॉट क्यों ना आपको दिखाया जाए कि एक बाइकर के बर्थडे हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं. आवर बाइकर्स बर्थडे सेलिब्रेटेड. सो दैट्स द टाइटल ऑफ दिस वीडियो. बाकी शायद से मुझे आइडिया है कि थोड़ा बहुत छोटी मोटी राइड पे भी जाएंगे, बट द पंगा इज कि हमें टाइमली वापस भी आना है. 8 बजे का मीटअप टाइम है, तो अभी फिलहाल रेडी होते हैं, देन हम लोग निकलते हैं मिलने के लिए सारे अपने भाइयों से. सो इस व्लॉग में बने रहिएगा, देखते हैं क्या क्या राइड्स होती हैं, ड्रैग होती नहीं होती, क्योंकि मुझे पता चला है वहाँ पे 4-5 लोग आ रहे हैं फिलहाल. आज 5 ही अवेलेबल हैं, जिसमें से एक के पास ड्यूक भी है, एक के पास एनएस भी है, एक R15 भी 2-3 हैं. सो इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो अभी हम लोग चलते हैं एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस. बाकी आपको मिलते हैं आप सीधा कैमरा पे. सो हाय एवरीवन, आ चुके हैं अपने डैश कैम पर एंड अ गुड न्यूज़, हम लोग फाइनली अपने राइडर ग्रुप से मिलने जा रहे हैं. तो बहुत ही एक्साइटिंग दिन है मेरे लिए, तो यार सही बताऊँ, क्योंकि एक तो बहुत सारे R15 राइडर्स ही हैं उस ग्रुप में, तो जब R15 मिलेंगे तो मज़ा तो आने वाला है यार. बाकी काम करते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पे माउंट. बस आई एम होपिंग कि यार ट्रैफिक ज़्यादा ना मिले, क्योंकि आज के टाइम पर ट्रैफिक काफ़ी मिल रहा था. 8 बजे तक हमें पहुँचना है कौशाम्बी. कौशाम्बी मिलेंगे हमें सारे भाई लोग, तो अब चलते हैं उधर. हर हर महादेव. तो बस यार कैमरा थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी सा लग रहा है मुझे, कैमरा साफ़ कर लेते हैं फिर चलते हैं फटाफट से. बाकी अभी माइलेज टेस्ट यार हमारा चल रहा है, चक्कर में टैंक फुल नहीं करा सकता, एल्स मैंने टैंक फुल करा लिया होता. तो अभी पहले माइलेज टेस्ट ज़रूरी है, तो उसके बाद जब अपना नॉर्मल ब्लिंकिंग पे आ जाएगा ना ये, तब हम कराएंगे इसे फुल. तो भगवान का नाम लेते हैं, हर हर महादेव, संकट मोचन हनुमान की जय. और चलते हैं अपनी राइड पर. बस हाँ, राइड पर मैं सही बताऊँ, 2 चीज़ें मैंने अपने माइंड में रखी हुई हैं कि वहाँ पर बहुत, देखो वहाँ पर बहुत सारे फेलो राइडर्स मिलेंगे, ठीक है, और बहुत सारी बाइक्स होंगी. कुछ होंगी R15, कुछ हो सकता है 125 cc भी हों, कुछ हो सकता है वहाँ पे 200, 250, 390 भी हों. तो बस मुझे तैश में आके जितनी मेरी औकात और जितने मेरे कंट्रोल है बाइक पे, मेरे सिर्फ उतना ही भगाना है, उससे ज़्यादा नहीं भगाना है. क्योंकि फ़िलहाल मैं अभी कोई भी बुरी चीज़ नहीं चाहता अपने साथ, मेरी बाइक के साथ, और ना ही अपनी फैमिली को टेंशन देना चाहता हूँ. तो बस अभी इसी मोटिव से हम लोग चलेंगे कि अपने भाई लोग से मिलेंगे, हाई हेलो होगा, छोटी मोटी राइड होगी, अपना खाएंगे पियेंगे, अपना घर वापस टाइमली. तो अभी गाने बजा लेते हैं और चलते हैं मज़े से ना. चलो यार मुझे ऐसे ही जाम क्यों दिख रहा है बहुत सारा भाई, जाम है. हम जाएंगे दूसरे रास्ते सर, हम इस पर नहीं घुसेंगे. सो हमारा जो जाम प्रूफ रास्ता है वहाँ से जाएंगे इस बार, क्योंकि इस पर तो नहीं फंसने वाले हैं भाई हम लोग बिल्कुल भी. पूछ रहा है भैया यूट्यूबर हो आप, करो हाय हाय, करो हाय. R15 है अरे बच्चे अलग मस्ती में स्कूटी लेके भगा रहे हैं भाई, और मैं नहीं भगा सकता ऐसी रास्तों में. रुक जा, साइड में रोक लो, साइड में रोक लो, साइड में रोक लो. ये रहा
यश आउन विन एट द रेट लगा के करना आ जाएगा, एट द रेट यूट्यूब यश पे क्या यूट्यूब पे यूट्यूब पे, एट ठीक है कितने द रेट यश अंडर स्कोर ऑन रील्स। वो हैं सब्सक्राइबर ये मत पूछो भाई यार, बस अभी 550 समथिंग हुए हैं यार। हेलो हमारी वीडियो आनी चाहिए हाय हाँ जरूर भाई, अगले व्लॉग में आ रहे हो आप लोग, हाय बोलो। चलो मिलते हैं। अच्छे लगते हैं ऐसे बच्चे। 12 seconds later भाई अंडरपास के नीचे जो आवाज आती है, अब पुलिस वाले खड़े, बट कोई बात नहीं ठीक है। अब अभी एग्जॉस्ट एंजॉय नहीं कर रहे भाई, क्या था ये मुझे नहीं पता था, बहुत टाइम से इस रास्ते आया नहीं, मुझे तो इतना खराब हो चुका है। लेट्स सी है ऑफिस के बाहर पे ये सब है। सो दैट्स द ऑफिस, बहुत यार क्या सुंदर सजाया है, नाइस। आई एम होपिंग पापा के टीममेट्स हों बस, वरना मेरा बेवकूफ बन जाएगा। देखो तो कॉल करते हैं भाई, बेवकूफ बन गया हमारा, वो तो है ही नहीं ऑफिस में। कोई नहीं ठीक है, हमारे रास्ते में ही था ये, तो इतना कोई पंगा नहीं है। अब चलते हैं अपना मेन मीटअप पॉइंट, 40-20 मिनट है अपने पास, और ये रहा डायरेक्शंस, 7.8 किलोमीटर है, ठीक है। बस अब थोड़ा सा 62 का जो जाम होगा वो झेलना पड़ेगा। चलो बाबा वीकेंड, बाबा जिंदाबाद। कमेंट करना मेरे को, बताना कौन कौन और है यहाँ पे वीकेंड का फैन, ना कोई और सुनता है अगर। लो जी बाहर आ गए, बट यहाँ ट्रैफिक क्यों दिख रहा है मुझे। ये सुट्टा पॉइंट तो यहाँ पे भी है, पार्किंग है, रुक जाओ पिक्चर भेजते हैं भाइयों को, भाई बताएंगे कहाँ आना है। चलो डाल तो दिया भाई, अब कोई लेने आ जाओ, सन्ना छोटा बच्चा ना खो जाएगा बहुत जल्दी। ये कोऑर्डिनेट्स मिले तो हैं, चलो ढूंढते हैं, मिल जाए तो। कह रहे जहाँ बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं वहीं हैं, हम तो मैंने यहीं खड़ा क्यों होना है, वहाँ पे वहाँ तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए, खड़ी गलत जगह पे हो। ये लोग लंका लगवा देंगे पक्का वाली। कॉल आ गया, हेलो, ओके यार मजबूरी है लगानी भाई। आ चुके हैं भाई मीटअप लोकेशन पे, ये रहे सारे भाई। अरे फ्लैश लाइट बंद करो, हमारी वीडियो खराब हो जाएगी। टाइम फॉर केक कटेंगे, जिसे केक काटना है वो थोड़ा सा बिजी है फिलहाल। भाई शायद, भाई शायद बाबू को फोटो भेज रहे हैं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Shang, Bob bhai, happy birthday to you। इधर की सबसे डीजे एक्शन टू, एक्शन टू, एक्शन टू। चलो भाई मीटअप हो चुका है कंप्लीट, ये रहे सारे फेलो राइडर्स, 1 2 3 4 5, चलते हैं अभी घर को फिर।
चलो भाई इधर से अब राइट लो, राइट होकर निकल जाऊंगा। चलो भाई मिलते हैं भाई, बाय बाय। चलो भाई आराम से आना भाई, ठीक है? चलो मतलब सेफली जाना भाई, बस और कुछ नहीं। चलो बाय बाय भाई। भाई उन्हें सेफली बोले, मैं कुत्तों की तरह चला रहा हूँ। बट भाई बहुत सही एक्सपीरियंस रहा सारे फेलो राइडर्स से मिलके, बहुत अच्छी वाइब मैच हुई सबके साथ। आई वुड से बहुत प्यारे लोग हैं यार, और बहुत कहते हैं दैट बाइकर हेड वाला हिसाब है कि भैया प्रॉपर बाइकर हेड्स हैं। सारी कन्वर्सेशन बाइकिंग वाली, मॉडिफिकेशन वाली, यही सारी कन्वर्सेशंस थी। चलो बाय बाय। ये हमारे फेलो राइडर एक और ये चल दिए भाई। हाँ जी भाई, दिवाली पे लाए R15। हाँ जी बढ़िया लग रही है। ये तो फिर भी जहाज है। और क्या, चलो अच्छा लगा। चलो भाई अंकल ने सर्टिफाई कर दिया वाली, ज्यादा अच्छी लग रही है, हमें कराना पड़ेगा रैप अब। चलो बट लगाते हैं गाने और घर निकलते हैं। बाकी अभी हम चल रहे हैं स्ट्रेट अवे घर कौशाम्बी से, क्योंकि अब हो गई है ठंड यार। पहले हाथ नीचे फोल्ड करो, रुको कसम से ठंड लग रही है यार। तो भाई का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो चुका है, सबसे गेट टुगेदर भी हो गया, अपना बढ़िया वीक ऑफ आज का बन गया है। अब कल से बैक टू वर्क, बैक टू अवर रेगुलर लाइफ, और एकदम मूड रिफ्रेश हो गया। तो यहाँ हम घर जा रहे थे और एकदम से हमें KTM RC 200 वाला ओवरटेक करता है। ये रहे हो भाई साहब, तो आगे देखिए क्या होता है, मजा आने वाला है। मतलब आए, ओवरटेक किया और नीचे चले गए, मतलब ड्रैग का मौका भी नहीं दिया यार। और ऐसे ही अभी अपाची वाला सीन हुआ था, आया ओवरटेक किया, साइन दिया, दोनों नीचे चले गए भाई। आज कंटेंट वाली किस्मत नहीं है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, आउट ऑफ नो वेयर ये बंदा एकदम से बिल्कुल लेट के लीन होकर मैं से ट्रैक करना शुरू करता है। वो भी इसको ये नहीं पता था R15 के साथ ये दो पैसेंजर है, तो समझदारों को पता है कि दो पैसेंजर R15 पे होते हैं और एक पे सिंगल पैसेंजर, तो क्या होने वाला है देख लो आगे। और ये करा हमने भाई को बाबाई का इशारा और हम चल दिए अपने घर। भाई को 5 सेकेंड भी नहीं लगे यार, मतलब ढंग से कंप्लीट तो कर लेता। और चलो कम से कम ये तो R15 पे दो बंदे थे, अभी जो आगे आने वाला है ना वो देख के तो तुम फिर ये नहीं बोलोगे कि R15 वाले छपरी होते हैं। एक्चुअल छपरी कौन है अभी आपको दिख जाएगा ना, 2 मिनट को बस। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब इसको ऐसा फीलिंग है ना, मजा आएगा। Thank you.
भाई हो गया गायब। बुलेट 350, बुलेट 500, क्या फायदा है भाई 500 सीसी का? जब आपको एक 150 सीसी का चीता पेल सकता है तो क्या फायदा है? दिस वॉज ऑल फॉर द व्लॉग गाइज। हम लोग अपने फेलो राइडर्स से मिल लिए, अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशन आइडियाज मिल गए, तो आप होपफुली हमारी ट्रिप की प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है, तो ट्रिप पे बहुत जल्दी मिलेंगे आपको हम ना। सो दिस इज ऑल फॉर द राइड।